हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइनिंग गेज। इट्स योर हर्षी। अभी खिंचवानी है ये आपको बताया, नवरात्रे आने वाले हैं तो हम एक सीरीज करने वाले हैं, नौ माता के नौ लुक करने वाली हूँ मैं। सो आज है मेरा फर्स्ट लुक, मैंने शूट किया है, आलता भी लगाया है जो कि फैल गया, ये देख लो मेरी रेखाओं में बह गया है ये टोटली। एंड ये लुक आपको कैसा लग रहा है मुझे बताओ। राम राम माता, राम 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 बालिके। तो और हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है, मैंने इसका ट्यूटोरियल शूट किया है। ऐसे मेरे को बहुत सारे लुक करने हैं लाइक नौ माता के, तब हम फोटो खिंचवा लेते हैं। बाय बाय। हाय गाइस, सॉरी, हाय अगेन गाइस। तो आज है मेरा सेकंड डे जिसमें हम शूट करने वाले हैं, तारिणी माता का लुक करेंगे, और या फिर थर्ड डे या फोर्थ डे का हम आज शूट करने की कोशिश करेंगे। अलपुत्री माता का कल हमने शूट किया था। सो मैं सबसे पहले अपना लगाऊंगी बैकग्राउंड। देखो मैंने कैसे बैकग्राउंड लगाया था, टेप देख रहे हो आप, इतनी सारी टेप। अरे अब अपने सब ये हमारी जो सफ़ेदी है ना, इसको उखाड़ के हटेंगे। दिस इज आवर मेसअप, और ये मेसअप करने वाला बंदा मेरे ही पीछे खड़ा है। मैंने न्यू बैग लिया। कैमरा कैसे साफ होता है? मैंने न्यू बैग लिया हाथ से। वाह कितनी अच्छी है तेरे, मेरी बात को हाथ से कैमरे साफ होते होंगे। तो उस कपड़ा तो साफ ही है ना? या क्या सो यहाँ पे मैंने कल बैकग्राउंड लगाया था और आज भी यही लगाऊंगी रहा ना। कौन निकाल रहा हूँ इसके अंदर मेरे गॉगल्स का कवर है ना। तो मैंने जो कल शूट किया था उसकी सारी ज्वेलरी वगैरह गाइस देखना क्या हाल। ये मैंने नहीं करा, ठीक है, पड़ा रहेगा सामान तो भाई गंदा तो होगा ही। इसमें क्या है माला? सिस्टर हाँ ब्रदर। ये सारा शैलपुत्री में जो मैंने ज्वेलरी वगैरह पहनी थी सब मैंने ऐसे ही पटक दी। आपको अपनी साड़ियाँ दिखा देती हूँ। तो ये मैंने चुन्नी ली थी क्योंकि डबल चुन्नी माता यूज करती है ये, और रेड निकाली, ये दोनों ही मेरे लहंगे की है। उसके बाद मेरे पास एक साड़ी है ये वाली रेड वाली, और इसका ब्लाउज मेरे परफेक्ट आता था बट मैं सोच रही ये नहीं पहनूंगी। और एक है ये बनारसी साड़ी है ये वाली, सी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी साड़ी है। और एक साड़ी है ये वाली, ऐसे भी माता जितनी भी माता की साड़ी होती है वो बनारसी होती है ना, बनारसी टाइप की ही होती है। और हमारे मेरे पास बनारसी कलेक्शन बहुत सारा है मम्मी के पास, तो कमी नहीं है साड़ियों की। और ज्वेलरी अब देखेंगे कि कौन सी मेरे को पहननी है। और इसके अलावा मेरे पास एक साड़ी और है वाइट और क्रीम कलर की, और रेड का जो कंट्रास्ट आता है वो, तो वो रखी हुई है ऊपर, तो मुझे अलमीरा से निकाल के लानी पड़ेगी, वो भी सिल्क में है। अब इनके साथ ये तो तय है कि मैं ये पहनूंगी, ये डिसाइड नहीं है। और इसके साथ मेरे को ज्वेलरी सारी मैच करके देखनी पड़ेगी। मंगवाया था मेरे पापा से और मेरे भाई लाया है। इताज के प्राइस आप सुनोगे ना, सीरियसली यार ये खरीदे हैं मैंने। इस बात पर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हर बात पे लाइक मांगना जरूरी दोनों। सी अबे यार ये निकलती क्यों नहीं है, ये रहा है। सी इतना प्रिटी है ना ये, लिटरली बहुत ज़्यादा। दो मंगाए हैं मैंने और एक है ये वाला, इसमें थोड़ा लेस वर्क है और इसमें स्टोन टाइप का वर्क है। इसको मैंने खोलना लगाया था जो इस टाइम पे बिल्कुल ही गायब हो चुका है, तो अब मेरे को मेहंदी लगानी पड़ेगी। और मैं अपने पैरों में भी मेहंदी ही लगाऊंगी क्योंकि ये देखो, क्योंकि ये रहा स्टोन वर्क है इसमें, तो इसलिए ये महंगे हैं। और रेंट पे पता नहीं कहाँ मिलते हैं, हमारे इधर मुझे नहीं पता वरना मैं रेंट पर ही लेती, बट तो नहीं मिले। ऑनलाइन भी कौन है ले, ऑनलाइन भी महंगे ही आ रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि उन्हें ले ही लेती हूँ, ऑनलाइन से चक्कर पड़ता है रुकने का। और तेरे को लिप बाम दे रखी तो ये क्यों लेके जा रहा है? ये वाली दे दे यार, तू दूसरी ले ले। तू वो ले लेना। नहीं ना यार ये वाली दे दे। मैंने इसको बायोटिक के इतने अच्छे लिप बाम दे रखे, फिर भी खुला हुआ ये, खुला हुआ ही दे रहा है, मतलब मैं अब नहीं दूंगी। और ये रहे मेरे नेल्स। ओए तो क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला मार के। सो साड़ी मेरी डन हो चुकी है। हवा दीजिए, हवा हवा दीजिए। हाय गाइस,
हाय अगेन। तो अब मैं 7:15 बजे लुक कंप्लीट करके फ्री हुई हूँ, मतलब मैंने प्रॉपर शूट कर लिया, ट्यूटोरियल जो भी करना था मैंने सब कर लिया। और ये मैंने किया है स्कंद माता, जो कि है हमारा 5वां नवरात्रा स्कंद माता जी का। और इससे पहले मैंने शैलपुत्री किया था, वो किया था मैंने कल शूट। और शैल, मेरी इतनी तबीयत खराब, और मेकअप कैसा लग रहा है मुझे बताओ, बेस कैसा लग रहा है? बहुत ही परफेक्ट हुआ है बेस, और आई भी अच्छी हुई थी, बट ये आंसू आने के कारण सब कुछ ख़राब हो गया, बट बचा हुआ है थोड़ा बहुत, तो अभी होने वाला है क्योंकि आंसू आए जा रहे आ जाए। सी कैसे दिखाऊँगा आपको मैं, कहीं दिखाऊँ, कहीं दिखाऊँ थमने में, अरे का ही करूँ, मेरी वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहा है जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है, और जिसने वाह बेटा वाह, जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो उन्हें मैं बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और चंद्रघंटा माता का लुक थर्ड नवरात्र जो होता है उसके लिए हम रेडी हुए हैं, ट्रांजिशन वीडियो आएंगे सारे, नौ नवरात्रों के नौ ट्रांजिशन आएंगे, तो स्टे ट्यून और सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना ताकि आपको देखने को मिल जाए। इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते, आप कर ही दोगे ये तो। मैं ढूंढ के देखूंगी तेरे लिए आलता लाके, मम्मी रवि मैं तेरे लिए आलता लाके ढूंढूंगी, आलता नहीं है हमारे पास क्योंकि हम आलता है ही नहीं हमारे पास, तो हम रोली को पानी में भिगोकर जैसे टीका लगाते हैं ना वैसे हमने आलते का वो बना लिया। अब जेल नहीं होता तो जुगाड़ करना पड़ता सी, अभी इसको हम हटा देंगे तो ये कलर कलर रह जाएगा, ठीक है? अभी इसको तो सुखा दूँ पहले, तो ट्रांजिशन में शूट कर लूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। क्या करूँ, तबीयत इतनी खराब हो रही है, बुखार हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, सब हो रहा है। बाल कैसे हो गए मेरे, चांद का लगेगा अब इस पे, ये दिखाऊंगी, ये मेरी मम्मी ने मेरा आलता लगा, क्या सेंस है मम्मी यार। ये मैंने रोले से लगाया था अपने पैर, ओ ते मर लिया कर, ऐसे आगे कर लिया कर, देखो ये मुझे पता है इसके खुद तो तुम लोगों को कष्ट नहीं देता थी, मतलब नहीं क्या करूँ, बस ऐसे पूछ लो बस, अब देख अब बता, रो मत ना, रो ही आंसू हाल रुक गए, पूछे ही नहीं, नहीं। कैमरा ऑन है,
क्रोधित, फुल क्रोध। You can do it. भर रहे हैं तेरे पास सर, रियल में आना। त्रिशूल वगैरह कुछ नहीं, अब आवाज कीर्ति की बलि ले ले। ए मेरा मुंडी लगा ले।